राजस्थान में लग सकता है दिन का कर्फ्यू। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर जोधपुर की कोविड समीक्षा बैठक में बढ़ते आंकड़ों पर जाहिर की चिंता। कोरोना के मोर्चे पर WHO ने दी बड़ी खुशखबरी, कहा महामारी के खत्म होने के सपने देखना कर सकते हैं शुरू। राहुल गांधी बोले MSP APMC के बिना बेहद मुसीबत में किसान। PM मोदी ने पूरे देश को कुएं में धकेल दिया। केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप। किसान आंदोलन के समर्थन में आई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। दुष्यंत दवे बोले किसानों के केस मुफ्त में लड़ूंगा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में 50% तक गिरा कारोबार। 300 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बॉर्डर बंद होने से हो रहा कारोबार प्रभावित। दिल्ली में हवा की हालत हुई खराब, आने वाले दिनों में बदतर हो सकता है AQI। 35 निगरानी स्टेशनों में से कम 17 स्टेशन पहुंचे लाल कैटेगरी में। युवराज के पिता योगराज सिंह ने किसान आंदोलन में गुजरातियों को लेकर कहे अपशब्द। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा हैशटैग अरेस्ट योगराज सिंह। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे योगराज सिंह की गिरफ्तारी की होने लगी मांग। GHMC चुनाव रिजल्ट पर ओवैसी बोले हैदराबाद में जहां जहां गए अमित शाह और योगी वहां वहां हारी भाजपा। AIMIM लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। BJP से प्रेम करने वाले बागी नेताओं को ममता बनर्जी की दो टूक। आप TMC छोड़ने के लिए स्वतंत्र। शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2020 में नितिन गडकरी बोले GDP में खेती के योगदान को 16-30% करने की जरूरत, तभी हो पाएगा देश के शहरी क्षेत्र का विकास। कनाडा ने फिर तोड़ी अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अन्नदाता का किया समर्थन, कहा अन्नदाता को प्रदर्शन करने का है अधिकार। सऊदी UAE जा रहे भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे 4 दिवसीय दौरे के लिए हुए रवाना। दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कश्मीर को लेकर तुर्की की खतरनाक साजिश आई सामने। तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर दिया साथ। तुर्की ईस्ट सीरिया के अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की कर रहा तैयारी। अमेरिका ने चीन के अधिकारियों पर बढ़ाया निगरानी और प्रतिबंध। अमेरिका ने चीनियों को वीजा देने से किया मना। अमेरिका में बाइडेन सरकार की ताजपोशी का कार्यक्रम होगा वर्चुअल। महामारी के कारण वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा ताजपोशी कार्यक्रम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन ने दी जानकारी। त्योहारों के समय ई कॉमर्स पर मांग 56% बढ़ी। पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य उत्पादों की बिक्री गिरी। तकनीक खामी के चलते ठप हुआ SBI का योनो ऐप। संदेश भेजकर ग्राहकों को दी जानकारी। सेवा को सुचारू बनाने और ऐप को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। अक्षय कुमार ने साझा की क्रिस्टोफर नोलन और डिंपल कपाड़िया की तस्वीर, कहा मां आप पर गर्व है। शादी के 5 दिन बाद ही आदित्य नारायण ने दी पत्नी श्वेता को मायके भेजने की धमकी। वीडियो हुआ वायरल। दूसरा सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले एंडरसन अमेरिकी टीम से खेलेंगे। T20 लीग से करेंगे शुरुआत।